आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत भूषण कौशल पहले भाई में। एक हम आपको अभी एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप देखिए छोटा सा आपका बच्चा 15 या 20 दिन का रहा होगा और खाने की तलाश में एक छोटे से निर्माणाधीन, चाहे वो आप उसको लैट्रिन या बाथरूम कुछ भी कह सकते हैं, उसके छेद में जाकर छुप गया था। वो वहीं से पुकार रहा था, थोड़ी परेशानी हुई, हम भी घूमने जा रहे थे धर्मपत्ती के साथ, उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ के उसके सुरक्षित उसके प्राकृतिक छोड़ दिया गया। आपसे पुनः निवेदन है, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, अल्लाह का अष्टमी का दिन है, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सामान लेके जा रहा था अपनी धर्मपत्नी के साथ, परंतु रास्ते में ही मुझे रोक लिया, रास्ते में रोक लिया गया। यहाँ पर सांप का बच्चा बैठा हुआ है, करीब सांप को 15 या 20 दिन का बच्चा है, अंडे से बाहर निकला हुआ बच्चा है। कोशिश करें से पकड़ कर इसके प्राकृतिक बाद में छोड़ने की, प्राकृतिक जीव इसका भी जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इनके द्वारा छेड़छाड़ साफ परेशान करे भाई, वीडियो बनने यार, अल्लाह मत करो भाई, जल्दी पकड़ लो कलेंडर, वो चला गया। हाथ डालो ये खड़ा था, मुंडे पे अच्छा गला कर ले भाई, डंडी दे दो कोई बड़ी सी, ले लो ले लो, नहीं नहीं ये छोटा डंडा दो, बच्चा भी आ रहे देख यार, कोई सांप ना बच्चा है देखिए। अभी आप बताइए जी, अभी इसकी मम्मी ने इसको लिपस्टिक पाउडर बिंदी लगा के दिया कि बेटा जा दशहरा मेला देखिए, दशहरा मेला बना ले, दिखा दो रे बाप, इसको कहते हैं गाय का खुर, इसके पीछे बना हुआ, ये बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हैं, कुछ भी ना कर, सांपों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, को दे वन विभाग को दे या हमें दे, अब ये डरा हुआ है, परंतु जहर तो ये पूरा छोड़ेगा, अगर काट ले तो आदमी की मौत निश्चित है, अगर समय पे इलाज ना मिले। एक डब्बा लड़की कहती बहुत सुंदर सांप है, इसकी फोटो खिंचवा दो सर, अरे ये काली लड़की, इसका नाम गोरी रखी कि सांप बहुत सुंदर है, जैसे अपना वो है ऐसे सांप भी सुंदर है, देख रहे पीछे से खून निकल, चोट लग गई ना, डंडा लग गया, पीछे वाला बाबू पीछे वाला ना ले ना, दोस्तों महाअष्टमी के दिन आज हमने अपनी धर्मपत्नी को भी सांप को छुड़वाने में लगाया, दर्द थोड़ा खत्म होना चाहिए, अगर रहेगा तो आदमी हमेशा पीछे रहेगा, यदि आदमी के जीवन में डर खत्म होगा तो आगे बढ़ेगा। सांप को उसके प्राकृतिक में छोड़ दिया गया, सांप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना आप एक्सपर्ट को दें, वन विभाग को दें या हमें दें, धन्यवाद।